क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लीफ अ टैप रूट अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3 ऑफ द टेक्स्ट बुक. सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है लीफ. ये यहाँ पर लीफ का डायग्राम गिवन है जिसमें बच्चे हमारे पास सबसे पहले ये स्टेम का स्टॉक है. देन एक ऐसी स्टॉक होती है, इस स्टॉक को जिसके साथ ऊपर ये फ्लैट एरिया प्रेजेंट होता है इसे पेटियोल बोलते हैं. देन जो ऊपर फ्लैट एरिया होता है दिस इज नोन एज लैमिना. ग्रीन ग्रीन कलर का यूजुअली आपको दिखाई देता है, दैट इज लैमिना. इस लैमिना के अंदर ऐसे पैटर्न होता है, लाइंस लगी होती हैं, इन्हें बोलते हैं वेन्स. और जो साइड पर ये लीफ की बाउंड्री है इसे लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं, लीफ मार्जिन भी बोल सकते हैं. और जो सेंटर में प्रेजेंट होती है लाइन दिस इज मिडरिब. तो ये हमारे पास एक टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर है. देन वी हैव टैप रूट. ये डायग्राम गलत आ गया बाय चांस. टैप रूट क्या होता है, ये हमारे पास स्टेम है. स्टेम के नीचे से हमारे पास ऐसे प्राइमरी रूट निकलती है. ये प्राइमरी रूट फर्दर ब्रांच्ड होती है इनटू सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी फर्दर ब्रांच्ड होती है टर्शरी रूट्स में. तो ऐसे पूरी रूट्स जो हैं एक दूसरे के आगे ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है. दिस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स फॉर्म टैप रूट सिस्टम. देन थर्ड इज फ्लावर. फ्लावर के अंदर बच्चे चार पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, पिस्टल एंड स्टेमन. स्टेमन से भी सही वर्ड है, मतलब स्टेमन जो होता है ये मेल पार्ट है, पिस्टल फीमेल पार्ट होता है. स्टेमन आगे दो पार्ट्स का बना होता है, फिलामेंट एंड एंथर. पिस्टल फर्दर थ्री पार्ट्स का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये हम आपके पास जो कलरफुल दिखाई देते हैं आपको, जैसे कि रोज के अंदर रेड कलर के दिखाई देते हैं, दोज आर पेटल्स. यूजुअली हर फ्लावर के बाहर आपको जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं दोज आर सेपल्स. दीज आर सेपल्स. थैंक यू.